राधे राधे फ्रेंड्स, राधा माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लेयर्ड खस्ता मटरी, जो गेहूं के आटे से बनाएंगे हम। आप देख सकते हैं हमारी मटरी कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार बनाएं और एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें पहले डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, जिसे मैंने छान के अच्छे से रख लिया था पहले से ही, और 1 कप मैंने डाल दिया है, 1 कप और ऐड कर देंगे। पूरा 2 कप मैंने इसमें गेहूं का आटा लिया है। और अब हमारी मटरी को और भी ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे, इससे हमारी मटरी बहुत ज़्यादा खस्ता एकदम कुरकुरी बनेगी। और अब इसमें ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन को मैंने मिक्स करके रख लिया था, वो इसमें डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च को मैंने कूट कर रख लिया था, या आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश कुटी हुई मिर्च का अलग टेस्ट आता है। और 2 चम्मच डालेंगे कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को हमारे आटे में। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, इससे हमारी मटरी में बहुत ही अच्छा क्रिस्प आएगा, खस्ता बनेगी। ये मोइन के लिए मैंने ऐड किया है। पहले इसको चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरह से पहले इसको मिक्स कर देंगे। अब हाथों की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते हुए हमको हमारे आटे में अच्छे से मोइन लगा लेना है, जिसमें हमने जो तेल और मसाले ऐड किए हैं, इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा मोइन परफेक्टली लग गया है जानने के लिए हाथों में इस तरह से लेंगे, और ये इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी। जिस कप से हमने सूजी ली है और आटा लिया है, उसी कप से नाप कर मैंने 1 कप पानी ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और हमको अब डो लगा लेना है। फ्रेंड्स, इसका डो ज़्यादा सख्त भी नहीं लगता है और ज़्यादा सॉफ्ट रोटी जैसा भी नहीं लगता है। इसका डो हमको मीडियम डो चाहिए, ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा नरम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से आटे को मिक्स करते जाएंगे, और इस तरह से डो लगाएंगे हम। फ्रेंड्स, इसमें हमारे आटे का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस तरह का आटा चाहिए हमको। और हमारा आटा एकदम परफेक्टली लग के रेडी हो गया है, और अब इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का आटा चाहिए हमको। आधा घंटे के लिए ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है और हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको बाउल में से निकाल लेंगे, और इस तरह की मैंने एक थाली को उल्टा करके रख लिया है, क्योंकि इसके लिए हमको बड़ी रोटी बनानी है, तो यही ज़्यादा बेटर रहेगा, चकला इतना बड़ा नहीं रहता है। अब हमारे आटे को 2 पार्ट में करेंगे, और उसको पहले अच्छे से 1-2 बार इस तरह से प्रेस करते हुए स्मूथ कर लेना है। और इसके अब छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, तोड़ तोड़ कर, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाना है। इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी में पेड़े बना लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से सारे पेड़े इस तरह से बना के बाउल में रख लेंगे। अब इस तरह से बेल लेंगे एक पेड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोटी की तरह उसको पतला सा बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं
इस तरह से। अब इसमें ऑयल लगाएंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा आटा सूखा और थोड़ा सा लाल मिर्च चाट मसाला। अब फ्रेंड्स इसको सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल बना लेना है इसका। अच्छे से प्रेस करते हुए चपटा करते जाना है, इससे वो अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पूरा बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए एक रोल बना लेंगे। अब इसको इस तरह से चिपका देंगे हमारे रोल को अच्छी तरह से। और अब इसके पेड़े कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बता रही हूँ, इस तरह से सारे कट कर लेना है। फ्रेंड्स ये मटरी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और इसे हम एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब इस तरह से हथेली की हेल्प से पहले बीच से प्रेस करेंगे और बेलन की हेल्प से इस तरह से पतला पतला गोल बेल लेंगे। आप देखिए इस तरह से बनाना है हमको सारे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारे बना के रेडी करके रख लिए। इस तरह से बीच में इसमें डिज़ाइनर आना चाहिए और पतला पतला सा बेल के रख लेना है। अब यहाँ ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था और ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, बस इतना ही हमको ऑयल गर्म करना है। और इसकी अभी फ्लेम एकदम लो कर देंगे, 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हमको इनको फ्राई करना है। उसके बाद सारी हमारी मटरियाँ तैर कर ऊपर आने लगेंगी धीरे धीरे, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद उनको पलटना है और 3 मिनट के बाद हमारी गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं एक एक करके डालती जा रही हूँ। फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए, अब मैं इनको पलट रही हूँ इस तरह से, पलटते पलटते हुए अब इनको सेक लेना है। फ्रेंड्स इन मटरियों की खास बात ये है कि इनको एक साथ बहुत सारी तल सकते हैं, और बहुत सी मटरी ऐसी होती हैं जो एक साथ बहुत सारी नहीं डाल सकते हैं, इससे ये हमारी जल्दी बनके रेडी हो जाती हैं। और अब इसका फ्लेम 3 मिनट के बाद हमको मीडियम टू हाई कर देना है, एकदम तेज फ्लेम में नहीं सेकना है, नहीं तो सारी जल जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी बाद में। तो फ्रेंड्स इसका एक बात ज़रूर ध्यान रखना है, पहले 3 मिनट लो करना है, उसके बाद 3 मिनट के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको तलना है हमको। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी मटरियों का कलर लाइट गोल्डन हो गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और ये बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें परतें आ गई हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी मटरी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे इस तरह की तार वाली छलनी से, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकलता जाएगा। इसमें इस तरह से निकाल लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं फ्रेंड्स। एक बार आप इसको रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाएं, और वैसे भी बना सकते हैं चाय के साथ, एक बार बनाएं और महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे, इस तरह से ही बाकी के बैच फ्राई कर लेंगे एक एक करके। इस तरह से मैंने सारी फ्राई करके रख ली हैं। फ्रेंड्स आवाज़ सुनिए, तो फ्रेंड्स हमारी मटली बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आवाज़ सुनिए आप, कितनी ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनी है। एक बार बनाएं और महीनों तक स्टोर करके रखें तो एक बार ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।